तो ये कुछ पार्सल आए थे जो अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किए थे और इसका हॉल जल्दी ही आने वाला है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है सैनिटाइज़ करके, जो भैया जा रहे हैं अभी देख के गए हैं, तो ये मैंने यहाँ पर सैनिटाइज़ करके रख दिए है और ये अभी धूप में रहेंगे 4-5 घंटे, उसके बाद मैं इसे अंदर लेके जाऊंगी, ओपन करूंगी और इसका हॉल जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके हॉल का वेट करना, इसमें कुर्तीज़ है तो कुर्तीज़ हॉल जल्दी ही आने वाला है आपके लिए। हे गाइस, अभी नहा के फ्रेश हुई हूँ और अभी बज रहे हैं 10:30 और आज है एकादशी। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ध्यान किस पे जा रहा है, तो ये इस पे जा रहा है मेरा ध्यान, जो मैंने परसों ही मैं बाहर गई थी, तो परसों जो मास्क लगाया था वो मैंने वॉश किया था, बाथरूम से ऐसे निकाला और यहाँ पर टांग दिया, तो वही सूख रहा है, अभी भी सूख ही रहा है। तो चलिए, आज है एकादशी, 1 मिनट फैन ऑफ करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। आज देखो कि कितने अच्छे से धूप आ रही है। जो भी मुझे मराठी देख रहे हैं उनको आषाढ़ी एकादशी का खूब खूब शुभेच्छा है। तो सभी को आज फास्ट है घर पे, इनको भी फास्ट है और बच्चों को भी फास्ट है, मतलब बच्चे बीच में कुछ खाते रहते हैं बट फिर भी उनका भी फास्ट है। तो आज बनाने वाली हूँ साबुदाने की खिचड़ी और चलिए अभी किचन में चलते हैं, साबुदाने की खिचड़ी बनाती हूँ और रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे कि कैसे बनाती हूँ मैं साबुदाने की खिचड़ी। बहुत ज़्यादा सिंपल है बट बहुत टेस्टी लगती है, जैसे मैं बनाती हूँ आप लोग देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग भी वैसे ही बनाते हो या आप लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हो। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं, और साबुदाना की खिचड़ी किस किस को पसंद है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। साबुदाने की खिचड़ी सभी की फेवरेट होती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कुछ कुछ ही ऐसे लोग होते हैं कि जिनको साबुदाने की खिचड़ी पसंद नहीं होती, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फास्ट के जो सारे आइटम होते हैं वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि साबुदाने के बड़े हो गए, साबुदाने के पराठे हो गए। पिछली बार मैंने साबुदाने के पराठे आप लोगों के साथ शेयर किए थे, कैसे लगे थे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कौन सा व्रत था वो, हाँ ये कौन सा था, वट सावित्री का, वट सावित्री के व्रत के टाइम पे मैंने साबुदाने के पराठे आपके साथ शेयर किए थे। आपने व्लॉग देखा कि नहीं ज़रूर बताना, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, उसमें आपको पराठे देखने के लिए मिल जाएगी कि मैंने साबुदाने के पराठे कैसे बनाए थे, और आपको रेसिपी भी पता चल जाएगी, अगर आप बनाते हो तो वो भी मुझे बताना। और हाँ चलिए फिर अभी किचन में चलते हैं, बहुत बातें हो गई, किचन में चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ साबुदाने की खिचड़ी। लाइट्स ऑन कर देती हूँ, तो चलिए अभी जल्दी से बनाते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी बनाने वाली हूँ मैं साबुदाने की खिचड़ी, तो उसके लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया है और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद मैंने उसमें जीरा ऐड किया है, जीरा थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया है क्योंकि जीरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हेल्थ के लिए भी, मतलब डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए ज़्यादा ऐड किया है उसमें। फिर हरी मिर्च ऐड कर दी है, आज ना मैं ये खिचड़ी हरी मिर्च डाल के बनाने वाली हूँ, कभी कभी हरी मिर्च डाल के बनाती हूँ, कभी कभी लाल मिर्च डाल के बनाती हूँ, तो आज सफेद करने का मन किया तो हरी मिर्च डाल के बना रही हूँ। तो यहाँ पर हरी मिर्च जो है वो थोड़ी सी फ्राई हो गई है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू को कद्दूकस कर लिया था, तो मैं ऐसे करती हूँ, बहुत से लोग काटते हैं आलू को, तो मैं ना थोड़ा सा वो ग्रेट कर लेती हूँ, कद्दूकस कर लेती हूँ, उसे जो बड़ा वाला नहीं होता है छेद, बड़े छेद वाला, तो उससे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ और उसका पानी पूरा निकाल देती हूँ
और जो क्या बोलते हैं स्टार्च होता है वो पूरा निकाल देती हूँ, और उसके बाद वो नहीं तो चिपचिपा हो जाता है अगर आप उसे वॉश नहीं करते हो अच्छे से, तो इसीलिए फिर अच्छे से वॉश करती हूँ 2-3 पानी से, और उसके बाद ये निचोड़ के फिर इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ को। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लीड रख दिया है और ढक्कन रख के थोड़ी देर पकाना है। आलू थोड़े से पक जाए तब तक आपको ढक्कन रख के पकाना है इसे, और आप देख सकते हो आलू थोड़े से पक गए हैं यहाँ पे। तो अभी इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और उसके बाद मैं साबुदाना ऐड करूँगी उसमें। और हाँ, इस रेसिपी से आप अगर बनाते हो ना साबुदाने की खिचड़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और अगर आप वो काट के बनाते हो ना तो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है आलू को अगर आप काटते हो ना। तो मैंने आलू को काट के भी रेसिपी बनाई है तो इससे पहले, बट मुझे तो ऐसा लगा कि मैं जो आलू को काट के बनाती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है मुझे, और इस तरह से कद्दूकस करके बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर बना के देखना, और बना के देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किसका टेस्ट बेटर है। तो मुझे तो लगता है कि इसका टेस्ट बेटर है, तो इसी वजह से तो काट के बनाना तो मैंने बंद ही कर दिया है अब। तो इस तरह से आलू वो हो चुके थे, पक चुके थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर साबुदाना डाल दिया है उसमें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि साबुदाना इतना खिला खिला के फूला है, तो वो भी आपको बता देती हूँ। मैंने रात को ही भिगो के रखा था ये, अगर कोई फास्ट रहता है तो मैं रात को ही पहले भिगो के रखती हूँ, क्योंकि अगर सुबह भिगोते हो ना आप तो इतना खिला खिला सा फूलता नहीं है, वो चिपचिपा हो जाता है। तो अगर खिला खिला सा साबुदाना चाहिए आपको तो रात को ही भिगो के रख दिया करो, उससे बहुत अच्छे से आप देख सकते हो एक एक दाना खिल गया है पूरा, और बहुत अच्छे से फूला था। तो अच्छे से फूलने के लिए आपको रात को ही भिगो के रखना पड़ेगा साबुदाने को, और थोड़ा सा कम पानी डालना पड़ेगा, तो ही आपका साबुदाना इस तरह से खिला खिला सा फूलेगा। तो यहाँ पर मैंने साबुदाना डाल दिया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और डालूँगी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कम पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग 4 लोग, हर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं ये। और जब भी मैं साबुदाने की खिचड़ी बनाती हूँ ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ इनको पसंद नहीं है, मतलब इनको पसंद है बट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितनी हमें पसंद है। ये ना खा खा के बोर हो गए, इनका फास्ट रहता था सैटरडे का, तो ये ना उसकी वजह से खा खा के वो साबुदाने की खिचड़ी की वजह से इनका पेट एक बार खराब हो गया था, तो इसी वजह से वो ना बोर हो गए हैं खा खा के। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली भून ली थी और उसके बाद उसके छिलके निकाल के उसका पाउडर बना ले रही हूँ, और उसका पाउडर बन जाने के बाद हमें ऊपर से ये पाउडर भी ऐड कर देना है। अभी आपको दिख रहा है स्टीम आ गई है इसमें, और बस उसके बाद ऊपर से पाउडर ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद और थोड़ी देर स्टीम आने के लिए रख देना है आपको। इसमें स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे पोहा में स्टीम ज़रूरी है वैसे ही इसमें स्टीम ज़रूरी है, नहीं तो ये कच्चा कच्चा सा लगने लगेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम आने देनी पड़ती है, नहीं तो फिर बहुत अलग सी टेस्ट आती है। इसको जितनी स्टीम आने दोगे ना वही ये टेस्टी बनेंगे साबुदाने की खिचड़ी, स्टीम पर ही इसका सारा कुछ डिपेंड है। रेसिपी तो मैंने आपको बता दी रेसिपी किस तरह से बनानी है, बट अगर आप इसे स्टीम नहीं आने दोगे ना तो आपकी साबुदाने की खिचड़ी अच्छी नहीं बनेगी, तो स्टीम आने देना पड़ेगा इसे बहुत ज़्यादा। तो लो फ्लेम पे आपको बाद में रख देना पड़ेगा इसे। और यहाँ पर मैंने चीनी ऐड की है, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आप ऊपर से चीनी ऐड करते ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, ये ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। मुझे ऐसा मतलब किसी ने कमेंट की है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, तो ये ज़रूर बताना। बट है ना, मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ यार कि मैं स्लो बात करूँ, बट वो आदत हो जाती है ना फास्ट बोलने की, मतलब मुझे फास्ट बोलने की आदत है पहले से ही, मतलब बचपन से ही फास्ट बोलने की आदत है, तो इसीलिए मेरी आदत नहीं छूट रही है जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी लग रहा है, मतलब लोग बोल रहे थे कि मैं फास्ट बोलती हूँ, तो आप लोग बताना मुझे कि मैं नॉर्मल बोलती हूँ या बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ। अगर फास्ट बोलती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी नॉर्मल बोलने की, तो थोड़ा सा स्लो बोलने की। हम लोग ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ना तो उसकी टाइम लिमिट होती है, तो इसीलिए हमें थोड़ी सी स्पीड में बात करनी पड़ती है। आज देखिए एक्स्ट्रा के काम हो गए, कल रात को ना बारिश बहुत आई, बहुत तेज़ बारिश हुई कल रात को, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो विंडो है, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ वो विंडो, ये जो विंडो है क्या बोलते हैं अपने बेडरूम की, तो वो विंडो से अंदर पानी आया, मतलब यहाँ पर, यहाँ से मतलब इस तरफ से ऐसे पानी आ रहा था, तो वो ना यहाँ पर जमा होके अंदर चला आया पानी सारा, और विंडो बंद थी फिर भी यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ट्रैक में जमा होता है पानी और फिर वो अंदर चला आता है। तो
तो यहाँ पर ना मैंने कपड़े निकाल के लाए थे और वो फोल्ड नहीं किए थे, तो वो सारे यहाँ पर ही थे, तो वो कपड़े पूरे भीग गए वो पानी की वजह से, और फिर पानी पूरा बेडरूम में भी चला आया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सारे मुझे आज डालने पड़े बाहर धूप में सुखाने के लिए, और बहुत सारे कपड़े हैं बाहर सुखाने के लिए डालने पड़े। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं। पहले आप देख लीजिए, ये है पूरा स्टैंड भरा हुआ, ऊपर से स्टैंड लाया मैंने यहाँ पे, और माही ने भी हेल्प की, देखिए नीचे भी डाल दिया है, तो माही ने भी हेल्प की डालने के लिए, और यहाँ पर पूरा ये जो तार है वो पूरा भर गया है यहाँ से वहाँ तक, और वो भी पास पास डाले हैं सारे कपड़े, वो इस तरह से यहाँ पर पूरे कपड़े डाल दिए हैं। अभी ये निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और उन सारे कपड़ों को फोल्ड भी करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है आज। तो माही की हेल्प ले लूँगी मैं करने के लिए थोड़ी सी, ये तो बंद भी नहीं हो रहा है, तो माही की हेल्प ले लूँगी मैं थोड़ी सी फोल्ड वोल्ड करने में। तो चलिए फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ का पूरा खाली खाली लग रहा है ना, यहाँ पे देखिए पूरा खाली लग रहा है, तो पूरे के पूरे कपड़े डाल दिए हैं आज, सारे फोल्ड करने हैं, उसके बाद फिर उसे पूरे अच्छे से इस कबर्ड में सेट करना है। और कबर्ड तो मेरा इतना ज़्यादा फुल हो गया है ना कि आपको क्या बताऊँ, कुछ भी जगह नहीं है उसमें, मुझे दूसरा वार्डरोब बनाना पड़ेगा उसके लिए अब, तो पता नहीं वो भी कब बनेगा, जब सारा फर्नीचर का काम होगा उसके बाद, मतलब जब स्टार्ट होगा फर्नीचर का काम तो तभी वो भी बनेगा, तो अभी तब तक वेट करना है मुझे, तब तक इसी में मतलब दबा दबा के मैं उसमें डाल रही हूँ सारे कपड़े, बट मुझे जो कपड़े मुझे पहनने होते हैं वो कपड़े कभी टाइम पे नहीं मिलते हैं, तो ऐसा हो रहा है अभी, जब तक वार्डरोब नहीं बनेगा तब तक ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर हम लोग खेल रहे थे शाम को कैरम, और हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था एक्चुअली, बच्चों का भी टाइम पास नहीं हो रहा था और हमारा भी टाइम पास नहीं हो रहा था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कैरम खेलने बैठ गए थे, और मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है तो वो सिखा रहे थे मुझे। मुझे ना कैरम सच में खेलना नहीं आता है यार, बट बच्चों के साथ वैसे टाइम पास कर लेती हूँ, खेल लेती हूँ, बच्चों को भी कहाँ इतना अच्छे से आता है, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं अगर हम लोग साथ में खेलते हैं तो। तो यहाँ पर वही चल रहा था। और हाँ, रेसिपी आपको कैसी लगी साबुदाने की खिचड़ी की, ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, और अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हो तो बना के ज़रूर देखना, ज़रूर आपको पसंद आएगी। और हाँ, एक कमेंट बार बार आ रही है कि आप दोनों बच्चों में फ़र्क करते हो, माही से ज़्यादा प्यार नहीं करते, अद्विक से ज़्यादा प्यार करते हो, और क्या बोलते हैं, तो भाई अभी अद्विक से ज़्यादा प्यार करते हैं, आप भी अद्विक से ज़्यादा प्यार करते हो, माही से नहीं प्यार करती हो, तो क्या आपको भी लगता है ऐसे कि मैं माही से नहीं प्यार करती और अद्विक से प्यार करती हूँ? तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी कि अद्विक बहुत ज़्यादा छोटा है और माही बहुत बड़ी है, और उन दोनों में 8 साल का गैप है, तो जो हम लोग अद्विक को प्यार करते हैं जैसे कि उसको गोदी में लेना और ये करना, तो वो तो हम लोग माही के साथ नहीं कर सकते, बट माँ बाप बच्चों को सेम प्यार करते हैं, मतलब सेम ट्रीट करते हैं, सेम प्यार करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं करते हैं, कोई भी माँ बाप फ़र्क नहीं करता है अपने बच्चों में। आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हम लोग माही से कम प्यार करते हैं और अद्विक से ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है डियर, और आपकी वो गलत फहमी है, हम दोनों भी माही से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अद्विक से प्यार करते हैं, और आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हम माही से कम प्यार करते हैं और अद्विक से ज़्यादा प्यार करते हैं, बट अद्विक बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसी वजह से अद्विक का हमें सब कुछ करना पड़ता है, और कभी कभी तो माही भी करके देती है उसका सब कुछ, तो इसीलिए आपको लगता होगा वैसे, मतलब उसको गोदी में उठाना है ये वो करते हैं, तो इसीलिए वो हम लोग माही के साथ नहीं कर सकते क्योंकि माही बड़ी हो चुकी है और माही खुद का खुद कर सकती है, इसीलिए ये सारा कुछ उसके साथ नहीं दिखता है आपको वीडियो में, बट हम जो प्यार हम लोग करते हैं वो तो बार बार हम लोग वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, तो इसीलिए आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हम लोग माही से कम प्यार करते हैं और अद्विक से ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है डियर। तो गाइज, अभी मैं बनाने वाली हूँ आईब्रोज, तो इसका जो वीडियो है फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कैसे बनाती हूँ मैं आईब्रोज, और घर पर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है आईब्रोज, आपको पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप घर पे सीख जाओगे आईब्रोज बनाना, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वैसे हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी ही बाल आए हैं, बट फिर भी वो निकालना ज़रूरी है क्योंकि अजीब से दिखते हैं, और घर पे अगर आप निकालते हो तो आप कभी भी निकाल सकते हो, मतलब एक दो बाल भी आते हैं तो आप निकाल सकते हो, वो आपकी आईब्रोज हमेशा डन रहेगी। तो चलिए फिर जल्दी से निकाल लेती हूँ और उसके बाद बात करती हूँ आपसे।
तो जो भी बाल बड़े थे वो मैंने निकाल लिए हैं और देख सकते हो यहाँ पर मेरी आईब्रोज डन हो चुकी है। यहाँ पर मैं बनाने वाली थी शाम के खाने के लिए, मीन्स रात के खाने के लिए, कुछ फास्ट के खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं भगर बनाने वाली हूँ। एक्चुअली भगर आपको पता है या नहीं पता है ये नहीं पता मुझे, हिंदी में उसे समा का चावल बोलते हैं। तो समा के चावल बनाने वाली हूँ, कोई कोई इसे फास्ट के चावल भी बोलते हैं, क्योंकि सुबह साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा हीवी हो जाती है, तो इसीलिए मैं ये समा के चावल बनाने वाली हूँ अभी। और बस इसे वॉश करके इसमें डाल दूँगी, बॉईल कर लूँगी और उसे सेम प्रोसीजर से बनाऊँगी जैसे कि खिचड़ी वाली साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, वैसे ही पहले इसे बॉईल कर लूँगी अच्छे से। जैसे साबूदाना भीग जाता है ना तो उसे हम लोग बॉईल नहीं करते हैं, तो इसे हमें बॉईल करना होता है पहले। तो अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद ये फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद खिला खिला सा बनेगा, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर ये डाला है, तो ये अच्छे से खिला खिला सा बनेगा। इसमें फिर आलू जैसे मैंने वो कद्दूकस किया था वैसे ही डालना है, जैसे मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई वैसे सेम रेसिपी से आपको ये बनाना है। तो सिर्फ साबूदाने के बदले आपको इसे डालना है, साबूदाने की खिचड़ी जैसा ही ये बनेगा, और ये बहुत ज़्यादा लाइट बनता है, मतलब वैसा हीवी नहीं बनता है साबूदाने की खिचड़ी जैसा। तो इसीलिए मैं शाम को यही खाना पसंद करती हूँ। हमारे यहाँ पर फास्ट के दिन सुबह हम लोग साबूदाने की चीज़ें खा लेते हैं, बट शाम को थोड़ा सा लाइट चाहिए होता है जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग ये समा के चावल बना लेते हैं जो हम भगर बोलते हैं उसे। तो बस ये उसी तरह से बना लूँगी जैसे साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, और बस हम लोग खा लेंगे, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज हमारा खाना हो गया है और अभी बज रहा है 9:15 और मेरा फेस पूरा किचन में रह रह के ऑयली हो गया है। और हाँ, आज सीमा शर्मा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर सीमा, आपके लाइफ में सारी खुशियाँ आए, आप जो चाहो वो मिल जाए और आपके आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और उसके साथ साथ मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।